गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर अपन ने एग्जांपल्स करे थे बहुत सारे, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन सारे अपन नहीं कर पाएंगे। आज अपन देखेंगे किताब के पीछे के जो अंकिक प्रश्न हैं उनके बारे में। अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन करते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा और बाद में अपन उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दो, आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर दो अपन देखते हैं। आंकिक प्रश्न किताब के पीछे वाले। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला बेस है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। दो समान धातु के गोले, दो गोले हैं सब एक जैसी धातु के बने हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि जब दो एक जैसी वस्तुएं हों, दो एक जैसे गोले हो सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, समान पदार्थ की बनी होनी चाहिए और उसका आकार भी सेम होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे एक पर आवेश है एक पर नहीं है, तो क्या होता है, दोनों जो आवेश है वो बराबर बराबर दोनों के ऊपर आ जाता है। ऐसा अपन ने चालन द्वारा आवेशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर देखिए, एक गोला ए है हमारे पास, एक गोला बी है हमारे पास। इस पर प्लस 10 माइक्रो कूलाम का मतलब हो गया 10 × 10⁻⁶ कूलाम इसके ऊपर आवेश है। दूसरे पर है, इसको अपन Q1 कह देते हैं। Q2 का मान है हमारे पास −20 माइक्रो कूलाम, यानी −20 × 10⁻⁶ कूलाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, दोनों को टच कराया गया, अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उनको स्पर्श कराने के बाद में वह पहले जितनी दूरी अपन रख देते हैं तो बलों का अनुपात निकालना। तो स्पर्श कराने से पहले अब कितना बल है वो देख लेते हैं। पहले तो ये है अपने पास स्थिति फर्स्ट, जब अपन ने टच नहीं कराया। इन दोनों के मध्य की दूरी अपन मान लेते हैं आर है। ऐसे तो इसमें दूरी नहीं दी हुई है लेकिन अपन मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। अब इस सिचुएशन में अपने बल निकाल लेते हैं। एफ स्थिति फर्स्ट वाला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू वन क्यू टू का मान क्या होगा, देखिए के का मान तो के ही रहने दो, क्यू वन क्यू टू का मान क्या है हमारे पास, 10 × 10⁻⁶ एंड −20 × 10⁻⁶ ये है सब अपॉन आर स्क्वायर। ये है एफ स्थिति फर्स्ट की बात। इसको समीकरण नंबर एक डाल लेते हैं। स्थिति सेकंड में अपन क्या देखते हैं कि दोनों को टच करा लिया गया। अब जैसे इन दोनों को टच कराएंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, स्थिति सेकंड में क्या होगा, दोनों को जब स्पर्श कराएंगे तो इस पर 10 माइक्रो कूलाम प्लस में है और इस पर माइनस में 20 है, तो टोटल आवेश कितना हो गया। इस पर टच करा के वापस उठाएंगे तो कितना आवेश आएगा, देखिए Q बराबर, पहले तो दोनों आवेश जुड़ जाएंगे तो प्लस में 10 माइनस में 20 और फिर जितना भी आवेश होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा तो डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया अपने पास माइनस में 10 अपॉन 2 बराबर माइनस के 5 माइक्रो कूलम। ये आवेश दोनों के ऊपर सेम होगा, यानी गोला पहले वाले गोले पर भी उतना ही होगा, कितना माइनस के 5 माइक्रो कूलम क्यू वन बराबर −5 × 10⁶ −6 और दूसरे गोले पर भी सेम ही होगा, कितना क्यू टू बराबर −5 × 10⁶ −6। ऐसा कैसे हुआ, जब दोनों को टच कराया तो टोटल आवेश कितना हुआ, माइनस का 10 और वो प्लस का 10 और माइनस का 20 मिलके माइनस का 10 बचेंगे, फिर दोनों को अलग किया तो आधा आधा हो जाएगा दोनों के ऊपर, तो इस वजह से इतना आ गया।
इस स्थिति में अपन बल देखते हैं। देखिए एफ स्थिति सेकंड देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा, के अभी भी वही रहेगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू का मान बदल गया अपने पास, कितना है माइनस के पांच दस की घात माइनस छ, और माइनस के पांच दस की घात माइनस के छ है। दूरी अभी भी वही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन आर स्क्वायर, स्थिति नंबर सेकंड। और यहां कितना था अपने पास, 10 और 20, इसको सॉल्व करें तो के 300 हो गया लगभग, 300 माइनस में होगा अपॉन आर स्क्वायर 10 की घात माइनस 12। अब देखना है इसके अनुपात, अनुपात निकालना है। तो स्थिति समीकरण एक में दो का भाग देने पर, जब समीकरण एक में दो का भाग देंगे तो क्या होएगा, देखिए f फर्स्ट अपॉन f सेकंड, बाकी सारी चीजें सेम है, k 10 की घात माइनस 12 r स्क्वायर सब सेम है, एक तो इसमें माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और ऊपर 300 है और नीचे 25, तो 25 में 300 में 25 का डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 300 नहीं है 200 है, तो 200 में 25 का डिवाइड किया तो यह आ जाएगा माइनस के 8 अपॉन एफ फर्स्ट अपॉन एफ सेकंड, यही आंसर है। तो ये है अपने पास, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, दो एक समान गोले हैं, तो जब भी एक समान गोले होते हैं तो उन पे अगर उनको टच कराया गया तो दोनों के ऊपर आवेश बराबर बराबर बट जाता है। तो इस पर माइनस 10 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस पर माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश है, जब दोनों को स्पर्श कराया तो स्पर्श कराते ही इन पर आवेश कितना हो गया, 10 और माइनस 20 जुड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं इसको, साइन के अनुसार जोड़ते हैं, इस प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, तो माइनस के 10 बचेंगे, जब अलग करेंगे तो आधे आधे हो जाएंगे, यानी माइनस पाँच और माइनस पाँच आ जाएगा। पहली कंडीशन में फोर्स निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे, दूसरी कंडीशन में फोर्स निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। ओके, ये तो हो गया सवाल नंबर दो, इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा ए वाले एक संभव के शीर्ष, संभव त्रिभुज है एक तरह से, के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश क्यू है, तो त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक संभव त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। संभव त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसको संभव त्रिभुज कहते हैं। इसके ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, देखिए ए और बी पर समान आवेश क्यू है, तो ये लिख लीजिए क्यू, ये भी क्यू, और भुजा कितनी है इसकी, ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब ये कह रहा है बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी सी पर, मुझे बताइए कि सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बिंदु पर E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस बिंदु पर अपने विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसको अपन सदिश एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इस वाले आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी,
क्योंकि प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की तरफ होगा, बल रेखाओं की दिशा कैसे होती है, प्लस से निकलती है माइनस पे एंड होती है, तो ये दूर की तरफ होगी, तो इसकी इसका नाम अपन लिख लेते हैं ए की वजह से है तो इसको लिख लेते हैं ए, ई ए, और बी की वजह से भी ऐसे ही होगा तो ये हो जाएगा ई बी। ओके, ई ए और ई बी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ई ए और ई बी की डायरेक्शन है दोनों की अलग अलग है, अलग अलग है, तो इनका जो परिणामी है वो निकालने का एक फॉर्मूला है, उससे अपन निकालेंगे इसका परिणामी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ई ए और ई बी निकालते हैं। देखो ई ए का मान क्या होगा, बिंदु ए के इसी के ऊपर निकालें, कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, है दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ए स्क्वायर, ये समीकरण नंबर एक हो गया। उसके बाद बी बिंदु से यहां पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा बिंदु सी के कारण बिंदु सॉरी बी के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा ई बी बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, परिणामी कैसे निकालते हैं, दो सदिश होते हैं, मान लीजिए एक सदिश ये है ए सदिश, एक सदिश यह है बी सदिश, तो इसका परिणामी निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास 11वीं क्लास में, आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इनके बीच का कोण कितना था थीटा। तो सेम यही फॉर्मूला अपने को निकालना है, यहां पे लगाना है, आप देख रहे हैं ई ए और ई बी का मान लगभग बराबर ही है, लगभग क्या है पूरा ही बराबर है, तो आप लिखिए ई परिणामी बराबर अंडर रूट ऑफ ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस टू ई ए ई बी कॉस, अच्छा बीस का कोण कितना होगा यहाँ पे, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो यहाँ बीच में भी कितना होगा 60 ही होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सबकी वैल्यूज रख दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ई और ई बी का मान वापस रखेंगे दोनों सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा के क्यू टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा, ये सारे तीनों एक जैसे ही हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 गुणा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा देखिए अंडर रूट ऑफ 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया परिणाम। फाइनली ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, आपने समझ में आ गया होगा आपको, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संभव त्रिभुज है, उसके ए बिंदु और बी बिंदु पर क्यू आवेश रखा हुआ है और सी पर अपने को विद्युत क्षेत्र पूछा है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं रखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं ये डायग्राम बनाया, उसमें अपन ने पहले ए की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसकी जो संभव त्रिभुज की भुजा है वो ए है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉर्मूला ई ए का मान के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, वैसे इसकी वजह से हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था, आपने हो सकता है पी और क्यू पढ़ा हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये भी हो सकता है ए बी के फॉर्म में भी पढ़ा हो, एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, इसकी वैल्यूज यहाँ रख दी, रखने के बाद ये 1/2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो गया,
जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर तो हट ही जाएगा अंडर रूट से, और ये रूट थ्री के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा।